गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपका, इंट्रोडक्शन टू विंडोज 7। बात करते हैं फोर्थ में की असाइनमेंट, पेज नंबर आपका 42। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। फर्स्ट, यूजिंग दिस, आप इसकी सहायता से यू कैन स्विच बिटवीन द रनिंग प्रोग्राम। आप इसकी सहायता से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब होता है एक साथ एक या एक से अधिक प्रोग्राम पर काम करना। तो वो सुविधा देता है हमें टास्क बार। टास्क बार की सहायता से आप किसी भी प्रोग्राम का, जिस प्रोग्राम को आप बार बार यूज करते हैं, जो आपका फाइल है, फोल्डर है, आप उसको पिकअप भी कर सकते हैं। यानी कि आपको बार बार आवश्यकता में यूज करने का आप टास्क बार की सहायता से काम कर सकते हैं। सेकंड, यूज इट टू टेक ए क्विक लुक ऑफ द कंटेंट ऑफ द अदर ओपन विंडोज। आप देखिए, इसका आंसर है एरोपी। आप एरोपी की सहायता से किसी भी विंडो के जो कंटेंट है आप उसको देख सकते हैं। उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, कब मॉडिफाई हुई, कब बनी, वो सब चीजें आप देख सकते हैं। थर्ड, यूजिंग दिस यू कैन गेट टू द आइकन्स दैट यू यूज एवर। देखिए वो है जंप लिस्ट। जंप लिस्ट विंडो 7 में ऐसा फीचर है जिसकी सहायता से आप जो प्रोग्राम रेगुलर यूज करते हैं आप उन्हें यूज कर सकते हैं। और साथ साथ इसमें जंप लिस्ट हमें क्या करती है, शो करती है कमांड को फॉर द कॉमन टास्क। यानी जैसे आपकी प्लेइंग म्यूजिक या वीडियोस, वो कहाँ होते हैं, आपकी जंप लिस्ट में हमेशा शो होते हैं। आप इनको भी पिनअप कर सकते हैं। यानी जो आपको फाइल फोल्डर आपको रेगुलर चाहिए आप इनको भी पिनअप कर सकते हैं। क्लॉक, कैलेंडर एक्सेट्रा आर द कंटेंट ऑफ द फोल्डर। देखिए ये क्या है, आपके ये होते हैं आपके गैजेट्स। गैजेट्स यानी ये छोटे छोटे फोल्डर जो आपके कहाँ होते हैं, राइट साइड ऑफ द टास्क बार। ओके, मैं ये क्या है, आपके डिफॉल्ट सेटिंग कह सकते हैं उनको, डिफॉल्ट गैजेट आपके जो ऑटोमेटिक आपके टास्क बार पर शो होते हैं। फिफ्थ, क्लिक ऑन दिस बटन टू स्पेसिफाई द फोटो टू यूज। देखिए अगर आपको कोई भी फोटो चाहिए तो आपको क्लिक करना होगा ब्राउज बटन पर। ब्राउज पर क्लिक करने से जो भी आपकी मर्जी है, आपकी आवश्यकता के अनुसार आप किसी भी फोटो को चूज कर सकते हैं, उसको यूज आप कर सकते हैं एज ए वॉल पेपर, एज ए बैकग्राउंड पेपर या एज ए स्क्रीन सेवर। क्लिक ऑन दिस बटन टू सी व्हाट द स्क्रीन सेवर विल लुक। देखिए जब आप स्क्रीन सेवर लगाते हैं, आपको पता है स्क्रीन सेवर क्या है। स्क्रीन सेवर एक ऐसा फीचर है विंडो 7 का, यानी जब आप कंप्यूटर यूज नहीं करते कुछ टाइम के लिए तब आप स्क्रीन सेवर यूज कर सकते हैं। और जब आप अपनी स्क्रीन सेवर को देखना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा प्रीव्यू। प्रीव्यू वाला होता है देखना, आप उसको देख सकते हैं कि वो किस तरह से सेट हुआ है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये सभी वर्क आपको कॉपी में उतारना है, याद भी करना है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।